एलिप्स एकेडमी मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइटर मिठनपुरा मुजफ्फरपुर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया। चलो, बीच में एक दो दिन मैंने क्लास नहीं पढ़ाया, थोड़ी हेल्थ की समस्या थी, ठीक है, वो सॉर्ट आउट हो गया। ये मैं समझना कि सर को कोरोना हो गया था, ठीक है, ऐसा मैं समझना, ठीक है। और मान लीजिए हो भी जाता तो डरने की आवश्यकता है, रिकवर होके फिर से आ जाते, ठीक है, फिर से क्लास स्टार्ट कर देते, लेकिन ऐसा नहीं था। चलिए, पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे बच्चों, बोलिए? मोलारिटी के बारे में, ठीक है, और इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पढ़े थे, और क्या पढ़े थे? रिजल्टिंग मोलारिटी पढ़े थे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे आप। अच्छा, उसके बाद क्या कंटिन्यू कर रहे थे आप? किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में आयंस का कंसेंट्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, ये मैं आपको बता रहा था। किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में आयंस का कंसेंट्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, ये मैं बता रहा था आपको, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार बताया था इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी बात मैंने बताया था। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं जल्दी में, उसके बाद आगे फर्दर कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रोलाइट क्या है बताया था ना, डेट सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर, ठीक है, या विच आयोनाइज इन वाटर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, बताया था ना, ठीक है। कितने टाइप्स का बताया था? टू टाइप्स का। कौन कौन? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग किसको बोलते हैं बेटा? वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो क्या करे, 100% डिसोसिएशन करे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, 100% डिसोसिएशन। अ वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे? जो पार्शियल डिसोसिएशन करे, यानी इनकम्प्लीट डिसोसिएशन करे, ठीक है, जो पार्शियल डिसोसिएशन करे, वैसे इलेक्ट्रोलाइट को हम बोलते हैं बेटा क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और जो 100% डिसोसिएट हो जाए वाटर में जाने के बाद, उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। एग्जांपल बताओ, मैंने बताया था ना स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl, HNO3, ठीक है, H2SO4, ETC, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड कर दिया, उसके बाद क्या? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस बोलो, जैसे KOH, NaOH, ETC, ठीक है, और सॉल्ट, ठीक है, जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है, ठीक है, जैसे NaCl, K2SO4, ETC कर लो यार, ठीक है। ये सारे एग्जांपल किसके? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, यानी वाटर में डालेंगे तो क्या होगा? 100% डिसोसिएशन होगा, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वाटर में डालने पर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन है, या बोले क्या, पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है, एज पर एग्जांपल, ठीक है। बोलो, वीक एसिड, वीक एसिड जैसे H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और बता, ठीक है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, ये सब क्या है? जो भी ऑर्गेनिक एसिड है ना, यानी जो इसमें कार्बन है ना, वो सारे वीक एसिड है, ये ध्यान रख सकते हो आप। बोलो सर, आपको कैसे पता लगता है स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक एसिड वीक बेस है, ठीक है? इसका पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ठीक है, के और केवी की वैल्यू चेक करना पड़ता है, ठीक है, वो लैब में आप निकाल सकते हैं, कोई आंख से देख के नहीं बता सकता कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, इसके लिए लैब में टेस्टिंग होता है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना कि कोई आंख मुन के ये नहीं बोल देगा फलाना एसिड है, फलाना स्ट्रॉन्ग एसिड है, फलाना वीक एसिड है, ऐसा नहीं। जो मैं बता रहा हूं उसको याद रखें आप, ठीक है, और आयनिक इक्विलिब्रियम इसके बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे फिर से, ठीक है।
तो क्या बोला, जितने भी कार्बन वाले एसिड है ना, सब वीक एसिड के एग्जांपल हैं, ठीक है। वीक वेश, वीक वेश जैसे बेटा बोलो NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड गया, वीक बेस है। तो क्या बोला, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो एग्जांपल है, या सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, वीक एसिड और वीक बेस एग्जांपल है किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएशन करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियल डिसोसिएशन करेगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अरे बोलो, हाँ या ना, समझ में आ रहा सबको? अरे बोलो भाई, ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, एक टर्म बताया था आपको, याद है क्या बताया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं थोड़ा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, तो क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बताया था ना आपको, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, अल्फा से, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मैंने लिखने का तरीका आपको बताया था, डिफाइन कैसे करता हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू फार्मूला बताया था ना आपको, क्या, डिसोसिएटेड अमाउंट और डिवाइडर बाय क्या, इनिशियल अमाउंट, बताया था ना। यानी क्या लिखेंगे, डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और डिवाइडर बाय क्या बेटा, इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये मैंने आपको बता के रखा हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम इस तरह से राइट करते हैं, ठीक है। अब इससे मजा नहीं आएगा ना जब तक एग्जांपल नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे देखो Al2SO4 है का होल थ्राइस, ठीक है, डिसोसिएट करने आता ना सबको, क्या करोगे, ये 3 किस पे जाएगा, एल्युमिनियम पे, 2 किस पे जाएगा, सल्फेट पे, पता है ना, ठीक है। Al3+, अब प्लस बेटा SO4 2-, ठीक है। अब यहां देखो एल्युमिनियम का संख्या कितना है, 2, तो आगे 2 लगाओ, सल्फेट की संख्या कितना है, 3, तो आगे 3 लगाइए, ठीक है, समझ में आया। अरे 3 एल्युमिनियम पे ट्रांसफर करो, 2 किस पे ट्रांसफर करो, सल्फेट पे, और जो जितनी संख्या है मैं उसको आगे लिखो, एल्युमिनियम की संख्या 2 है तो आगे 2 लिखो, ठीक है, सल्फेट की संख्या 3 है तो आगे 3 लिखो, ठीक है, समझ में आया। चलो मान लेता हूं टाइम टी इक्वल टू 0 पे, यानी इनिशियल, ठीक है, टाइम टी इक्वल टू 0 का मतलब क्या, इनिशियल, ठीक है, मोल इसका ए है, तो इसका कितना मोल होगा बेटा, 0-0। अरे जिस समय पानी में डाले होंगे आप, ठीक है, पानी में डिजोल्व किए होंगे Al2SO4 को, Al2S एल्युमिनियम सल्फेट को आप डिजोल्व किए होंगे जिस समय वाटर में, उस समय क्या हो रहा होगा, क्या एल्युमिनियम और सल्फेट डिसोसिएट हो, मतलब एल्युमिनियम और सल्फेट मिल पाया होगा, नहीं मिल पाया होगा, टाइम टी इक्वल टू 0 पे तो सिर्फ यही था, ठीक है, वो तो रहेगा नहीं प्रोडक्ट, मैं बता चुका हूं कि टाइम टी इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट हमेशा कितना, 0 रहता है, ठीक है। आफ्टर टाइम टी का मतलब क्या, जब इसको पानी में डिजोल्व कर दिए तो डिसोसिएट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, यानी हम बोलेंगे आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा, इसका कुछ मोल डिसोसिएट कर गया, एक्स मोल मान ले डिसोसिएट कर गया, अरे मोल कंसेप्ट में लिखना बताया था ना ऐसे, तो ये कितना बनेगा, इसके एक मोल से 2 मोल, तो एक्स मोल से कितना, 2x मोल, अरे भाई एक मोल टूटेगा तो 2 मोल एल्युमिनियम Al3+ बनेगा, तो एक्स घटेगा तो कितना ये बढ़ेगा, 2x से बढ़ेगा ना, ये कितना से, 3x से, ये सब करने आना चाहिए तुम्हें, स्टोइकोमेट्री में बता चुका हूं ये सब, ठीक है। अब हमें अल्फा लिखना है, कैसे लिखोगे, डिसोसिएटेड मोल एक्स, अब आई गया इनिशियल मोल, देख लो, यदि परसेंटेज में लिखना है तो कैसे लिखोगे, एक्स बाई ए इंटू 100, ठीक है, समझ में आया, यदि अल्फा कभी परसेंटेज में लिखना हो तो एक्स बाई ए इंटू 100,
यानी डिसोसिएटेड मोल्स बाय इनिशियल मोल इनटू 100, ठीक है, समझ में आया। अच्छा एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो उसका तो 100% डिसोसिएशन होता है, जितना इनिशियल मोल लेंगे सारा का सारा क्या कर जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा, यानी अल्फा की वैल्यू कितना ओवर, देखो ना जितना मोल लिए सबका सब डिसोसिएट कर गया, ठीक है, यानी इनिशियल मोल ए लिए और मेरा डिसोसिएट भी ए मोल कर गया तो अल्फा की वैल्यू कितना वन, यदि परसेंटेज में बोलेंगे तो 100%, अल्फा की वैल्यू 100%, ठीक है, यदि परसेंटेज में बोलेगा अल्फा तो 100% डिसोसिएशन हो रहा वहां, ठीक है। तो हम एक बात बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू कितना वन, ठीक है, यदि परसेंटेज भी तो आप 100% बोलना, ठीक है, तो मैं इस बात को लिख देता हूं, क्या बेटा, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और क्या बेटा, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 100% एसोसिएशन होता है, इसका मतलब जितना इनिशियल लोगे पूरा का पूरा क्या कर जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितना वन, ठीक है, यदि परसेंटेज में बोलोगे तो 100%, ठीक है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो इनिशियल मोल ए लिया और डिसोसिएटेड कितना था एक्स, ठीक है, एक्स डिसोसिएटेड था, ए क्या था इनिशियल, ए ने अल्फा लिखे थे अभी आप, ठीक है। अब ध्यान सुनना कि जो डिसोसिएटेड होगा वो इनिशियल से हमेशा कम होगा, क्यों, जो एक्स है डिसोसिएटेड अमाउंट है वो इनिशियल अमाउंट से हमेशा गया होगा, कम होगा ना, क्योंकि 100% तो डिसोसिएशन हुआ नहीं। मान ले जाए ए 5 मोल है तो एक्स की वैल्यू 4 मोल होगा, यानी 5 मोल से कुछ कम होगा क्योंकि 100% तो डिसोसिएशन हो नहीं रहा, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा ना, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है बड़ा है ना, तो रेशियो क्या आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा ना, ठीक है, को डाउट बोलो, याद रखना इसको, ठीक है। अच्छा एक बात बता दूं, यदि क्वेश्चन में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो हम मानना है कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनो, यदि क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नॉट गिवन, देन वी टेक 100% डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, ठीक है, यदि क्वेश्चन में क्या, यदि क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया गया तो हम अपने मन से कितना परसेंट डिसोसिएशन मानेंगे, 100% डिसोसिएशन मानेंगे, लेकिन यदि क्वेश्चन कह रहा कि हम 98% डिसोसिएशन कराएंगे तो फिर 90% के अनुसार काम करना, लेकिन यदि क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया गया तो हम मानेंगे 100% डिसोसिएशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो 100% डिसोसिएशन होता है, ठीक है, समझ में आया, क्या बोले, सबको समझ में आई बात, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कितना परसेंट डिसोसिएशन मानना, 100%, कब, जब क्वेश्चन में कोई डाटा नहीं हो अल्फा का तब, ठीक है, गो डाउट, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं नोट में, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज नॉट गिवन देन वी टेक 100% एसोसिएशन, देन वी टेक क्या 100% डिसोसिएशन, ठीक है, यानी 100% डिसोसिएट हो रहा होगा, गो डाउट, नहीं ना, अब इस पे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने वाले हम, ठीक है, इतना नोट कर लिए होंगे आप, अब क्वेश्चन बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, कह रहा गया जीरो पॉइंट वन एम एस सी एल का सॉल्यूशन है,
टिगे, इसमें क्या करना है? फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस एंड सीएल माइनस। ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखे ना, ये देखो, तो ये मोलारिटी को लिखता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? मोलारिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, सिर्फ कंसंट्रेशन भी क्वेश्चन में बोले ना, तो मोलारिटी के टर्म में ही सोचो। ठीक है, तो क्या कर रहा है? H प्लस और Cl माइनस का कंसंट्रेशन निकालना है, इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट देना, इसका मतलब मोलारिटी निकालना है, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी मैंने सिखाया था HCl एक्वस। ठीक है, तो क्या बनेगा? H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्या है, इसका टाइम टी इक्वल टू जीरो पे क्या दिया गया? मोलारिटी दिया गया 0.1 m। ठीक है, तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे इसका कितना होगा वैल्यू? एच प्लस और सीएल माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा? जीरो। अरे भाई, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे तो पड़ी शुआ होगा ना, इसका मोल ही जीरो रहा होगा। तो मोलारिटी बराबर क्या होता? मोल बाई वॉल्यूम। तो जब ये पड़ी शुआ ही नहीं, तो इसका मोल जीरो, तो इसका मोलारिटी भी कितना? जीरो। एच प्लस और सीएल माइनस की मोलारिटी इन सेंस ऑफ कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कितना? जीरो जीरो। क्यों? इसका मोल का तो प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है। ठीक है, आफ्टर टाइम टी, ये बोले आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या मानना है? क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है, तो कितना परसेंट डिसोसिएशन मान लो? 100%। यानी जो लिए होंगे सारा का सारा गया गया होगा, खत्म हो गया होगा। ठीक है, सारा का सारा डिसोसिएट कर गया होगा। ठीक है, तो 0.1 लिए हो। ठीक है, तो ये कितना बचेगा? जीरो हो जाएगा। क्यों बेटा? 100% डिसोसिएशन है, यानी सारा का सारा HCl किस में बदल गया? H प्लस और Cl माइनस में बदल गया, यानी ये 100% डिसोसिएट कर गया। तो जब ये 100% डिसोसिएट करेगा, तो इसका कंसंट्रेशन कितना? जीरो। क्योंकि जब ये 100% डिसोसिएट कर जाएगा, तो इसका मोल कुछ तो बचेगा नहीं, मोल तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, HCl, जब HCl 100% डिसोसिएट कर जाएगा, तो HCl का मोल कितना? जीरो। तो जब मोल जीरो, तो कंसंट्रेशन इन सेंस ऑफ मोलारिटी कितना? जीरो। अच्छा, अब ध्यान दो कि सर, ध्यान दो, ध्यान समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जीरो इन सेंस ऑफ क्या? इसको ऐसे बोल सकते हो ना, यानी 0.1 रहा होगा, 0.1 से घटा होगा, तभी तो जीरो हुआ होगा। ऐसा सोच सकते हो ना, जीरो हो गया, इसका मतलब 0.1 स्टार्टिंग में था, और घटा कितना हो सकता है? 0.1 से घटा होगा, तभी तो ये जीरो आफ्टर डिसोसिएशन बचा होगा। ठीक है, तो बोलो, देखो, ध्यान दो, ये 0.1 से घटेगा, इसके एक मोल से इसका एक मोल, तो 0.1 से घटेगा तो बढ़ेगा कितना से? ये 0.1 से, ये भी कितना से? 0.1 से। देखो भाई, समझ में आया? समझ में आया? फिर से मैं बता रहा हूं, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे इसका मोलारिटी गिवन था। ठीक है, वो सब जीरो जीरो, क्यों? किसका मोल जीरो है ना, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे तो एच प्लस और सी एल माइनस का प्रोडक्शन जीरो रहा होगा, तो उसका मोल जीरो है, तो मोलारिटी भी जीरो। ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन के बाद क्या हुआ? 100% डिसोसिएट कर गया, इसका मतलब इसका मोल्स कितना? जीरो। तो जब इसका मोल जीरो, तो कंसंट्रेशन आफ्टर डिसोसिएशन के बाद कितना? जीरो, कुछ नहीं बचेगा ये। इसका मतलब क्या? 0.1 स्टार्टिंग में था, और 0.1 घट गया होगा, डिसोसिएट खत्म हो गया होगा, यूज हो गया होगा रिएक्शन के दौरान। ठीक है, तो बचेगा कितना? जीरो, तभी ना जीरो होगा ये। इसका मतलब 0.1 से घट रहा है, तो कितना से बढ़ेगा ये? 0.1 से बढ़ेगा, और ये भी 0.1 से बढ़ेगा। अरे, इसके एक से इसका एक, तो 0.1, तो इसका भी कितना? 0.1। ठीक है, समझ में आया सबको? को डाउट? तो इतना नहीं करना है आपको, और शॉर्ट सिखाता हूं, देखिए। ठीक है, अगर सवाल लूंगा जो और शॉर्ट करना बताऊंगा, ये तो मैं पहला सवाल लिया, तो आपको एक्सप्लेन करना था, तो मैंने इतना काम किया। अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर लिखना सिखाएंगे आपको। अच्छा, किसी ने सोचा ये, किसी ने बंदे ने ये सोचा कि सर, ये पहले काम तो मोल में करते थे, अब मोलारिटियों में करना स्टार्ट किया, पगला गए आप क्या?
ठीक है, आपका दिमाग उमाग ठीक है गया कि नहीं है? ये काम तो पहले आप मॉल में करते थे, अब मोलारिटियो में करने लगे हैं, क्या ये तमाशा है सब? ठीक है कि पहले काम तो ये मॉल में करते थे, इतना मॉल से इतना मॉल, अब मोलारिटियो में करने लगे। ठीक है, हां करेंगे, क्यों नहीं करेंगे समझना। यानी जो काम मॉल में कर रहे थे वो काम मोलारिटियो में भी कर सकते, क्यों? यानी ऐसा काम तो मॉल में करते थे ना, स्टैचोमेट्री में इतना मॉल से इतना मॉल करते थे ना, तो वो काम मोलारिटी में भी कर सकते, क्यों समझना। अब बताओ सबोच करो आप, ठीक है, इसका मोलारिटी मालूम था 0.1, इसका मतलब क्या? एक लीटर सॉल्यूशन में इसका मोल 0.1 है। ठीक है, मोलारिटी का मतलब क्या? इसके एक लीटर सॉल्यूशन में, मैं यहां लिखता हूं, देखिए समझिए, इसके एक लीटर सॉल्यूशन में इसका मोल पता हो गया तुमको 0.1 मोल। सबोच करो ऐसा क्यों किया मोलारिटी के मीटर में, मैं समझ जा रहा हूं। तो पहला कंसेप्ट यह ध्यान रखना आपको कि जो काम आप मोल के टर्म में खेल रहे थे ना, वो मोलारिटी के मीटर में खेल सकते हो। ठीक है, 0.1 एम है, इसका मतलब क्या है? एक लीटर सॉल्यूशन में इसका मोल कितना है? 0.1 मोल। ठीक है, ये कितना होगा टाइम इक्वल टू 0 पे? ये 0.0। आफ्टर डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो 100% डिसोसिएशन होता है, तो बचेगा कितना? 0, पूरा का पूरा तो डिसोसिएट कर गया, तो कितना बचेगा? 0। इट मींस हम बोल सकते ना, ठीक है, 0 बचा, इसका मतलब क्या? 0.1 मोल ही घटा होगा तभी ना 0 बचा होगा। 0.1 मोल स्टार्टिंग में लिए और 0.1 मोल यूज हो गया, डिसोसिएट कर गया, तो बचेगा कितना? तब ना बोलेंगे 0 होगा ये। ठीक है, इन सेंस क्या 0. देखिए, एक मोल से एक मोल तो 0.1 से घटेगा तो कितना से बढ़ेगा? 0.1 से बढ़ेगा। ये कितना से बढ़ेगा? 0.1 से बढ़ेगा। अच्छा, सॉल्यूशन कितना था? एक लीटर था ना, तो ये तो मोल निकला, 0.1 मोल निकला, ध्यान दो, और सॉल्यूशन एक लीटर था, तो क्या H प्लस एक लीटर सॉल्यूशन से बाहर है कि एक लीटर सॉल्यूशन में ही है? अभी भी तो एक लीटर सॉल्यूशन के अंदर ही H प्लस पड़ा हुआ, तो वॉल्यूम कितना? ठीक है, 1, यहां भी 1 कर दो, तो देखो तो मोलारिटी कितना आ गया? 0.1, यहां भी कितना आ गया? 0.1, सेम आंसर आया देखो। ठीक है, हम मोल से काम कर लिए कि पहले मोलारिटी दिया गया था तो एक लीटर सॉल्यूशन में मोल पता कर लिया, अब मोल में खेल लिए और इसका कंसेंट्रेशन चाहिए ना, तो मोल बाई वॉल्यूम कर दिए। ठीक है, तो वही आंसर निकल गया जो वहां निकल के आ रहा है, तो डायरेक्ट कंक्लूजन। इतना तुम्हें परीक्षा हॉल में तिकड़म बाजी नहीं लगाना है, यानी जो काम आप मोल के टर्म में कर रहे थे वो काम मोलारिटी के भी टर्म में कर सकते हो। ठीक है, कट आउट नहीं, चलो अगला सवाल देखना, इंपॉर्टेंट, अब जल्दी जल्दी करना तुम लोग। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिएगा, 10 का पावर माइनस 3 एम, क्या बेटा? H2SO4 है, इसमें क्या चाहिए? H प्लस का कंसेंट्रेशन चाहिए और SO4-2- का कंसेंट्रेशन चाहिए हमें। ठीक है, तो जल्दी से रिएक्शन पहले लिख लो, क्या लिखोगे? 2H प्लस SO4-2-। अब एक्वस लिखते रहना तुम खुद से, ठीक है, जब ये सारा खेल वाटर में हो रहा है, ठीक है, तो सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन ही बोलेंगे ना। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, वो तुम्हें कंसीडर है। ठीक है, चलो लिख दिए, अब देखो कितना 10 का पावर -3 m, ये 0, ये भी 0, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो क्या मानेंगे? 100% डिसोसिएट कर गया, यानी कितना हो गया? आफ्टर रिएक्शन कितना हो गया? 0। यानी बोले आफ्टर रिएक्शन या बोले आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया? 0, क्योंकि इसका तो 100% डिसोसिएशन हो गया, 100% डिसोसिएशन हो गया, इसका मतलब रिएक्टेंट सारा खत्म हो गया, तो ये 0। इसका मतलब 0 इन सेंस ऑफ क्या? इसका 10 का पावर -3 था और इसका मतलब 0 10 पावर -3 से घटा हुआ तभी ना 0 हुआ होगा। ठीक है, तो देखो इसके 1 से 2, तो 10 का पावर -3 से कितना बोलो? 2 × 10 का पावर -3 एम, आंसर मोलारिटी। देखो ना, इसके 1 मोल से इसका 2 मोल, ठीक है, तो
इसका 0 10 का पावर माइनस 3 से घट रहा है ना, तो बढ़ेगा कितना से? 2 × 10 का पावर माइनस 3 m से बढ़ेगा। इसका कितने से बढ़ेगा बोलो? 10 का पावर माइनस 3 m। देख लो भाई, देख लो कोड आउट। मैंने क्या बोला, जो काम मॉल में कर रहे थे वो काम मॉलरिटी में करिए ना, कोई तकलीफ नहीं होगा आपको, कोई तकलीफ नहीं होगा आपको। ठीक है, समझ में आ रहा सबको? अरे सबको समझ में आ रहा, ठीक है कोड आउट, ठीक है नहीं ना? चलो, यानी कितना होगा H प्लस का आंसर कितना आ गया? कंसंट्रेशन के बीच 2 × 10 का पावर माइनस 3। सल्फेट का कितना गया? 10 का पावर माइनस 3। ठीक है, समझ में आया सबको? चलो कोड आउट, नहीं ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। इन 10 का पावर माइनस 5 m AL 2 SO4 का हो थ्राइस एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, मैं किसका चाहिए बेटा? एल्युमिनियम का कंसंट्रेशन चाहिए और सल्फेट का चाहिए हमको। तो जल्दी से लिखो, पहले ब्रेक करो इसको, Al2SO4 का होल थ्राइस ब्रेक करो जल्दी से, क्या Al3 प्लस अब प्लस क्या SO4 2 माइनस, ठीक है एल्युमिनियम 2 कर दिया, सल्फेट 3, तो 3 ये सब काम एक्वस मीडियम में चल रहा है तो लिख देते हैं एक्वस, ठीक है। अब ध्यान दो कितना है बेटा, 10 का पावर माइनस 5 m, ये 0, ये 0, आफ्टर डिसोसिएशन ये कितना 0, खत्म हो गया ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएशन होगा। जब सवाल में कुछ नहीं लिखे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 100% डिसोसिएशन होगा, ठीक है ये 0 हो गया, इसके 1 मोल से 2 मोल, तो इसका 10 का पावर माइनस 5 से कितना 2 × 10 का पावर माइनस 5 m, देख लो भाई, इसके 1 से इसका कितना 3, तो इसका 10 का पावर माइनस 5 है तो कितना 3 × 10 का पावर माइनस 5 m, आंसर हो गया, देख लो कोड आउट बोलो। अरे समझ में आया, ये इनिशियल है यानी टाइम टी इक्वल टू 0 पे, और ये क्या हो गया आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन एल्युमिनियम का भी कंसंट्रेशन आ गया और सल्फेट का भी आ गया, आंसर हो गया, समझ में आया? एल्युमिनियम का कितना आंसर आया, कंसंट्रेशन 2 × 10 का पावर माइनस 5, सल्फेट का 3 × 10 का पावर माइनस 5, कोड आउट बोलो, नहीं ना? ठीक है, तो अब सब कर लोगे। चलो नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान देना। कैरावेन हंड्रेड एम एल ऑफ 0.1 m AlCl3 एक्वस सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ क्या 100 ml ऑफ 0.1 m Al2SO4 एक्वस सॉल्यूशन देन फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ Al3+ कॉमा सल्फेट SO4 2- एंड Cl-, ठीक है आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है यानी मिक्स करने के बाद एल्युमिनियम का कंसंट्रेशन चाहिए, सल्फेट का चाहिए और Cl- का चाहिए हमें, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए आप, AlCl3 है, पहले इसको लिख लेते हैं, हमारे बस क्या है बेटा AlCl3 है, ठीक है इसको पहले ब्रेक कर लो,
एल थ्री प्लस और क्या शेल माइनस थ्री, ब्रेक करने सिखा दिया हूं, ठीक है। अब देखो क्या काम करोगे, बच्चे सोचेंगे ना कि सर इसका कंसेंट्रेशन मालूम है, इसका इसका तो निकल जाएगा, बच्चे यही सोचेंगे ना इसका कंसेंट्रेशन मालूम है तो इसका इसका निकल जाएगा, ठीक है। आप क्या सोचेंगे उसके पहले मैं बात करूंगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है, एल टू एसओ फोर का होल थ्राइस क्या मिल जाएगा, बोलो, एल थ्री प्लस और एसओ फोर टू माइनस, एल्यूमिनियम टू है सल्फेट थ्री है, कर दिया। बच्चे सोचेंगे ना इसका तो कन मोलारिटी मालूम है तो इसका भी निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा, यहां भी इसका मालूम है तो इसका इसका तो निकल जाएगा, फिर दोनों को जोड़ लेंगे, यहां भी एल थ्री प्लस यहां भी एल थ्री प्लस का कंसेंट्रेशन मालूम हो जाएगा और दोनों को जोड़ लेंगे। मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं बेटा कि कंसेंट्रेशन टर्म आर नॉट एडिटिव इन नेचर, कभी जोड़ना नहीं है, ठीक है, कभी जोड़ नहीं सकते हो कंसेंट्रेशन टर्म को, कभी जोड़ नहीं सकते हो। बच्चे ही सोचेंगे ना सर इसका मोलरिटी मालूम है, अभी तो भरत सर सिखाए थे क्या कि मान लीजिए इसका मोलरिटी 0.1 है तो इसका कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 3 × 0.1 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट दिख रहा हूं, ठीक है। आफ्टर रिएक्शन ये कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, ये 3 × 0.1 मोलरिटी हो जाएगा, इसका 0.1 एम है तो भैया 0.1 उसका 3 × 0 मोलरिटी मालूम हो जाएगा, ठीक है, तो इसका भी उसी तरह से मोलरिटी निकाल लेंगे। और बच्चे को सोचेंगे एल थ्री प्लस का कंसेंट्रेशन निकालना था, दोनों को जोड़ दीजिए मिक्सचर में निकालना ना, लेकिन वो रॉन्ग आंसर है ना, क्योंकि मोलारिटी को आप कभी जोड़ नहीं सकते, तो फिर बनेगा कैसे सर, ठीक है। बच्चे क्या करेंगे, यहां भी मोलारिटी कितना है, बोलो 0.1, यहां कितना आ जाएगा 2 × 0.1 आ जाएगा, यहां कितना आ जाएगा 3 × 0.1 आ जाएगा। बच्चे सोचेंगे ओ यहां जोड़ लो ना, दोनों को जोड़ लेंगे, बोलेंगे आंसर गलत है बेटा, मोलारिटी को आप कभी जोड़ नहीं सकते हो। तो करोगे क्या, एक काम है ना अपने पास, देखो हम मोल मालूम करते हैं पहले सबका, ठीक है, मोल का टर्म में यहां खेलेंगे, तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम क्या बताए थे, मोल, तब जब वॉल्यूम लीटर में रहेगा तब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यदि मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम एमएल में तो क्या बोलेंगे मिली मोल्स, ठीक है। तो देखो इसका मिली मोल्स लिख रहा हूं, कितना मोलारिटी कितना 100 और सॉरी मोलारिटी कितना 0.1 और इंटू 100 तो कितना आ जाएगा, बोलो 10 मिलीमोल्स, ठीक है, इसके एक से एक तो 10 से इसका कितना बनेगा, 10 बनेगा ना, 10 मिलीमोल्स बनेगा, इसके एक से इसका 3 मोल तो 10 से कितना, बोलो 30 मिलीमोल्स, मिलीमोल्स आ गया ना दोनों का, देखो ठीक है, इसी तरह से इसका भी निकाल लो मिलीमोल्स, ठीक है, मिलीमोल्स निकाल लो। अब बोलो मिलीमोल्स क्यों बोल रहे हैं, अरे वॉल्यूम मिलीलीटर में है ना तो मिलीमोल्स बोलेंगे ना, ठीक है, कितना आ जाएगा, बोलो 100 इंटू 0.1 कितना, या 0.1 इंटू 100 कितना, यहां भी 10 आ जाएगा ना, 10 मिलीमोल्स, इसके एक से दो मोल तो 10 से कितना 20 मिलीमोल्स, एक से तीन तो 10 से कितना 30 मिलीमोल्स, ठीक है। अब देखो अब मोल को तो जोड़ ही सकते हो, मोल को तो जोड़ सकते हो, मोल को जोड़ने में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ठीक है, तो टोटल मोल कितना, अब देखो एल थ्री प्लस का कंसेंट्रेशन निकालना है तो टोटल मिली मोल, यदि मिली मोल बोलोगे, अरे कंसेंट्रेशन बराबर क्या होता है मोल बाई वॉल्यूम, यदि ऊपर में मिली मोल लोगे तो वॉल्यूम एमएल में लेना होगा, ठीक है, तो टोटल मिली मोल कितना, मैं लिख देता हूं मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट अब बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें बेटा इनली एमएल में, यदि मिली मोल्स लोगे तो वॉल्यूम एमएल में लेगी, बताइए कितना, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर लियो तो एल थ्री प्लस है 10 मिलीमोल है 20 मिलीमोल है तो कितना हो गया 30 मिलीमोल्स, और टोटल वॉल्यूम कितना 100 ml है 100 ml है तो कितना 200 ml, देख लो आंसर आ गया, देख लो, अरे 10 मिलीमोल है 20 मिलीमोल है तो कितना, बोलो 30 मिलीमोल्स हो गया ना, अब भाई टोटल वॉल्यूम कितना, ठीक है 100 ml 100 ml 200 ml, यानी जो 30 मिलीमोल एल थ्री प्लस का होगा वो कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा, 200 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा ना, ठीक है। अब किसका निकालना, सल्फेट का, तो सल्फेट का मिलीमोल कितना 30, अब आई वॉल्यूम बोलो कितना
कितना 200, समझ में आया? मोलारिटी निकल रहा देख लो, उसी तरह से किसका बोलो Cl- का निकालना, Cl- का निकालना, तो 30 मिलीमोल्स और वॉल्यूम कितना 200, देख लो आंसर आ गया बेटा, देख लो मोलारिटी सबका निकल गया, L3+ का, सल्फेट का और Cl- का। तो बच्चे क्या करते हैं, यहां क्या करते हैं ना कि अभी तो कंसेंट्रेशन के टर्म में खेलना सिखाया था, इसका कंसेंट्रेशन फाइंड करते हैं, इसका फाइंड करते हैं और डायरेक्ट दोनों को जोड़ के आंसर दे देते हैं L3+ के लिए, ठीक है। और Cl- के लिए क्या करते हैं, इसका कंसेंट्रेशन से इसका कंसेंट्रेशन निकल जाता, बच्चे क्या करते हैं इसका कंसेंट्रेशन जो आता वही आंसर देते, जो कि गलत है, जो कि गलत होता, ठीक है। यहां क्या करना, क्योंकि जब मिक्स कर रहे हो तो इस यहां पहले सॉल्यूशन में L3+ और दूसरे सॉल्यूशन में L3+ के कंसेंट्रेशन को आप ऐड नहीं कर सकते हो, तो मैंने क्या कर दिया, मोल के टर्म में बढ़ गया ना, ठीक है। तो सवाल आसान हो गया, ठीक है। को डाउट है पूछो, किसी को छोटा भी डाउट है पूछो, है डाउट तो पूछो, नहीं है चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है समझिएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, विदाउट क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम सल्फेट के साथ कराया जा रहा है, ठीक है, और क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस, बेरियम सल्फेट का पीपीटी बनता है, तो पीपीटी के लिए आ रहे हो नीचे की ओर देते, अब प्लस क्या बनता है, NaCl बन रहा है। रिएक्शन वैलेंस कर लिया हमने, देख लो भाई वैलेंस हो गया ना, ठीक है, 2N2Cl, बेरियम एक, सल्फेट एक, चलो बैलेंस हो गया। इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया क्या, इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या दिया गया, 0.1 m कंसेंट्रेशन दिया गया और 100 ml वॉल्यूम दिया गया। इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया क्या, 0.2 m दिया गया और वॉल्यूम दिया गया है 100 ml। तो कह रहा फाइंड आउट द मोल्स ऑफ, इसका बेरियम सल्फेट का मोल्स फाइंड करना, ठीक है। क्वेश्चन सबको समझ में आया, कहा गया क्या 0.1 m एंड 100 ml ऑफ, ठीक है ऐसे बोल रहा हूं, 100 ml ऑफ 0.1 m बेरियम क्लोराइड इज मिक्स विद, ठीक है, 100 ml ऑफ 0.2 m Na2SO4, देन फाइंड आउट द मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, यही पूछा जा रहा है आपसे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 से क्या बेटा BaSO4 अब प्लस 2NaCl, ठीक है। अब देखिए इसका मिलीमोल पता करिए ना कितना, ठीक है, 100 × 0.1 यानी 10 mmol, ठीक है 10 mmol मैं लिख देता हूं, ठीक है 10 mmol, ठीक है ये कितना 20 mmol, ठीक है ये कितना 0.0। अरे जिस समय रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा उस समय उसका प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट का अमाउंट कितना 0, आफ्टर रिएक्शन गया होगा, देखो आफ्टर रिएक्शन गया होगा, सिचुएशन सोचो। अब देखो, अब समझो इंपॉर्टेंट है, ठीक है समझो कि पहले चेक करो LR गॉन है, क्योंकि एक से ज्यादा रिएक्टेंट आ गया तो LR चेक करो, LR गॉन होगा मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 10/1 और 20/1 तो छोटा वैल्यू कौन है 10 है ना, तो ये LR होगा, ठीक है ये LR होगा ना, अरे मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोले थे ना, ठीक है ये LR हो गया, ये एक्सेस हो गया, इसका मतलब जो आंसर देंगे किसके अनुसार, LR के अनुसार, LR कितना आफ्टर रिएक्शन, ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है आफ्टर रिएक्शन तो लिमिटिंग एंड खत्म हो जाता है ना, ठीक है। अब इसके एक मोल से इसका दो, एक इसका एक मोल तो इसका भी एक मोल, तो इसका 10 mol है, ठीक है तो इसका भी कितना चाहिए 10 mol ही चाहिए ना, ठीक है तो
बचेगा कितना? 10 मोल ये बचेगा। यदि पूछेगा सोडियम सल्फेट का मोल, मिलीमोल्स, मिलीमोल्स, नॉट मोल्स, मिलीमोल्स, क्योंकि मिलीमोल्स में काम कर रहा है इसके, एक से एक मोल से एक मोल, ठीक है, तो 10 से इसका यूज हो रहा ना, ठीक है, इसके 10 से इसका कितना 10, तो इसका कितना बचेगा 10 मिलीमोल्स बचेगा ना, ठीक है। अब यहां देखो इसके एक से एक, तो इसके 10 से कितना 10, इसके एक से दो, तो इसके 10 से कितना 20, देख लो भाई 20 मिलीमोल्स आ गया, ठीक है। अब हमें मिलीमोल्स आ गया ना किसका, बेरियम सल्फेट का, और क्या निकालना, मोल निकालना ना, तो यहीं पे लिख देता हूं मोल्स कितना हो जाएगा, मिलीमोल्स, मिलीमोल्स का मतलब क्या, मोल इंटू 1000 को मिलीमोल्स बोलते हैं ना, जैसे मिलीलीटर को लीटर में कैसे बदलते हैं, ठीक है, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं आप, 1000 से डिवाइड करते हो ना, इसी तरह से मिलीमोल्स को मोल्स में बदलने के लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, कितना क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा ना, ठीक है, मिलीमोल्स, अब आई 1000 कर दी तो क्या आ गया, मोल्स आ गया ना, किसका, बेरियम सल्फेट का। यदि आपको बेरियम सल्फेट का कंसंट्रेशन पूछता तो मोल वाई वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है, 100 + 100 यानी 200 डिवाइड से डिवाइड करते, मोल ऑफ बेरियम सल्फेट आ गया ना, यदि बेरियम सल्फेट का कंसंट्रेशन पूछता तो मोल वाई वॉल्यूम कर देते, मोल तो मालूम हो गया, ठीक है। ये 10 जो निकला है वो मिलीमोल्स में निकला ना, क्योंकि मोलारिटी टू वॉल्यूम, वॉल्यूम एमएल में, तो मिलीमोल्स के टर्म में काम कर रहे थे, तो फाइनली आपसे मोल पूछा जा रहा था ना, तो मोल डिवाइडर बाय 1000 कर देंगे तब ना, मिलीमोल्स डिवाइडर बाय 1000 कर देंगे तब ना मोल्स आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो यदि बेरियम सल्फेट का कंसंट्रेशन पूछता तो कैसे निकालते, मोल बाय वॉल्यूम, मोल उसका मालूम है, वॉल्यूम कितना पता है ना, वॉल्यूम, ठीक है, कितना बोलो, वॉल्यूम कितना है, 100 + 100 = 200। उसी तरह से इसका भी कंसंट्रेशन पूछ सकता था NaCl का, तो इसका मिलीमोल्स तो मालूम है, अब आई टोटल वॉल्यूम कर देंगे, ठीक है, समझ में आया, किसी को डाउट, समझ में आया सबको, ठीक है, नहीं ना डाउट है, ठीक है, एक क्वेश्चन और बताएं, चलो बता ही देते, लास्ट, ध्यान देना, जैसे मैं एक क्वेश्चन करा, NaOH का सॉल्यूशन लिया एक्वस, ठीक है, और क्या लिया, HCl का एक्वस लिया, क्या बना, NaCl एक्वस प्लस H2O। यदि हमें इसका 0.1 m लिया, 100 ml लिया, इसका लिया 0.2 ml, 0.2 m लिया, और कितना 200 ml लिया, तो इसका पूछ रहा है कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा आफ्टर रिएक्शन, ठीक है, फाइंड आउट द कंसेंट्रेशन ऑफ NaCl आफ्टर रिएक्शन। तो चलो करते हैं सॉल्यूशन, देखो देखो NaOH प्लस HCl से क्या बन रहा है, NaCl प्लस H2O, इसका मिलीमोल पता करते हैं ना कितना, 10, ठीक है, 10 मिलीमोल्स, मैं लिख देता हूं मिलीमोल्स में काम कर रहे, 10 मिलीमोल्स, बोलो इसका कितना, 40 मिलीमोल्स ना, ठीक है, बोलो भाई, ये जीरो, ठीक है, NaCl तो स्टार्टिंग में जीरो रहा होगा जब रिएक्शन, तो ये मिलीमोल्स क्या है, स्टार्टिंग का ना है, ठीक है, आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, पहले LR चेक करो, रिएक्शन तो बैलेंस है, LR चेक करो, ठीक है, लिमिटिंग एंड कौन है, NaOH, ये LR है ना, अरे मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट करो ना, ठीक है, ये एक्सेस हो जाएगा, तो जो LR हो जाएगा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, जीरो, इसके एक से एक, इसलिए 10 से इसका कितना 10, तो कितना बचेगा, 30 बचेगा ना, ठीक है, इसके एक मोल से इसका एक मोल, तो इसका 10 मिलीमोल से कितना 10, ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी मिलीमोल्स NaCl का मालूम हो गया ना, ठीक है, मिलीमोल्स मालूम हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl कैसे निकलेगा, मिलीमोल्स, अब आई वॉल्यूम इन ml, कितना वॉल्यूम है, 100 + 200 कितना 300, आंसर हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl का, देख लो भाई, मिलीमोल्स वाई वॉल्यूम कर दो ना, ठीक है, समझ में आया, को डाउट, किसी को भी डाउट नहीं ना, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोलालिटी,
और क्या पढ़ेंगे? कुछ रिलेशंस पढ़ेंगे बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जैसे मोलारिटी और मोलालिटी में रिलेशन आपको बताएंगे, ठीक है, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में रिलेशन बताएंगे, मोलालिटी, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में रिलेशन बताएंगे, ठीक है, इस तरह के कुछ कुछ और भी रिलेशन बताएंगे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में कहां से स्टार्ट करेंगे? मोलालिटी से स्टार्ट करेंगे। अब मतलब स्मॉल एम, मोलालिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक तो मोलालिटी के बारे में कमेंट करते रहा, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। अब हम लोग आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसी जोश के साथ, इसी एनर्जी के साथ। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।